सात कलमों को इस तरह गीत में बयान करना, तो यीशु मसीह ने सलीब पर फरमाया, क्या बाप माफ करीना कुछ जान दे, क्या बाप माफ करीना कुछ जान दे, क्या सलीब उते सब दिन तारे, अज होने ने सलीब उते सब दिन तारे, मेरी माफी दी तसली गुनागार नु सहारे, गुनागार नु सहारे, सत कलमे सलीब ते जो यीशु ने पुकारे, बनी इसराइल में लोग क्या करते थे, खुदा को खुश करने के लिए उधर से गुनाह करते थे, उधर से बकरा लेकर चले जाते थे। क्या खुदा को हम धोखा दे सकते हैं? मुझे बताइए, खुदा नु कोई धोखा दे सकता जी? इतने इंसानों ने धोखा नहीं दिता जा सकता, फिर रब ने धोखा देने बड़ी दूर की गल। लोग बड़ों के खून से खुदा को खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन आपके मेरे मुनशी ने बताया कि बड़ों के खून में खुदा की खुशनुदी नहीं है।
तो शायर यहां पर बयान कर रहा है, बड़े बकरे छतरे लोकी दे थके के हो रब इंसान दौला जी ओ बड़े बकरे छतरे बड़े बकरे छतरे लोग दे थके तो रब हो इंसान तो राजी नहीं राजी नहीं। खुदा क्यों नहीं राजी हो रहा? क्योंकि गुनाह का रंग इतना पक्का चढ़ा हुआ है, खुदा राजी कैसे हो? यहां तक कि तो कोई काजी भी माफ करने को तैयार नहीं है। यीशु मसीह के पास उस औरत को ले आए, तो आप तो मसीह हैं और बताएं इसके साथ क्या होना चाहिए। कोई काजी उसे माफ करने को तैयार ही नहीं है। यीशु ने कहा कि जिसने कभी खुद गुनाह नहीं किया वो उसे पहला पत्थर मार। बड़े बकरे छतरे लोग दे थके के हो इंसान तो राजी रंग गुना दे चढ़े ने पके जद रंग गुना दे चढ़े ने पके माफ कर दया फताब तयो कोई काजी नहीं हन जात देन आया न कोई मुजरा मेटे सब पर जेड़े पुत्र जेड़े पुत्र मां तू जान दिए सब मैं ते फर्ज उतारी मां तू जान दिए सब मैं ते फर्ज उतारी मेरी बात दे तसल्ली गुनागार सहारे गुनागारो सहारे जो सुने पुकारे मां तू जान दिए सब मैं ते फर्ज उतारी मेरी माफी दी तसली गुनाकार सहारे गुनाकार सहारे सत कल सलीबत जो यीशु ने पुकारी का जिक्र किया गया तेरे हुक्म नु मनान आफताब हाथ छटी
तेरे हुक्म नु मनाना अफता हथ छड़ी तेरे हुक्म नु मना आफताब हथ छड़ी मैं प्यासा तेरा आगोर विचो कड़ी आगोर विचो कड़ी हुण हो गया तमाम रूह है तेरे हवाले हुण हो गया तमाम रूह है तेरे हवाले मेरी माफी दी तसल्ली गुनागार नू सहारे गुनागार नू सहारे सत कलम शरीब ते जो यसू ने पुकारे सत कलम शरीब ते जो यसू ने पुकारे सत कलम शरीब ते जो यसू ने पुकारे।